दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रेडमी 6A जो कि मीडियाटेक आईसी है और ये मोबाइल जो है ऑनलाइन फ्लैशिंग होता था, ऑनलाइन अनलॉकिंग होता था, लेकिन अब खुद जो है आप ऑफलाइन में इस मोबाइल को अनलॉकिंग और फ्लैशिंग दोनों कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको दोनों ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों मैं बता दूंगा अभी भी बहुत से लोगों को कंफ्यूज है कि अनलॉक टूल में कितना मोबाइल सपोर्ट है, कौन कौन कंपनी का मोबाइल सपोर्ट है। मैं आपको बता दूंगा इसमें ओप्पो का, वीवो का, शाओमी का, ठीक है, हवाई का मोबाइल जो है इसमें सपोर्ट है और कितना मॉडल सपोर्ट है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस मोबाइल को कैसे अनलॉक करना है आपको एमआई अकाउंट और अगर आपको फ्लैशिंग करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले आपको मीडियाटेक पे क्लिक करना है। मीडियाटेक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्वर पे चेक लगाना है। सर्वर पर चेक लगाने के बाद आपको कंपनी सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये शाओमी का मोबाइल है, ठीक है, एमआई का है, तो आपको यहाँ पहले शाओमी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। शाओमी सिलेक्ट करने के बाद आपको मॉडल नंबर सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो रेडमी 6A सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। रेडमी 6A मॉडल नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको ये डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे एमआई अकाउंट रिसेट एमआई क्लोड लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक मारोगे तो अनलॉक नहीं होगा। इसका एक ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ये है कि पहले मोबाइल को ऑफ करिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है अटैच बाईपास, इस पे क्लिक करिए, मोबाइल को वॉल्यूम प्लस माइनस से, वॉल्यूम प्लस माइनस से बूट कराइए पहले। अटैच बाईपास ओके जब लिख देगा यहाँ पे, उसके बाद आप रिसेट एमआई क्लोड पे क्लिक करके जो है एमआई अकाउंट रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इस मोबाइल को फ्लैशिंग करना है तो फ्लैश फाइल डाउनलोड कीजिए, लेटेस्ट फ्लैश फाइल होना चाहिए आपका। उसके बाद यहाँ पे फोल्डर का आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप स्कैटर फाइल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फ्लैश का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले मोबाइल को बूट कराइए अटैच बाईपास से। अटैच बाईपास जब आपका ओके लिखेगा उसके बाद आप फ्लैश बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल फ्लैश हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने लोग हमसे अनलॉक टूल अब तक लिए हैं तो उन लोगों को अगर कोई भी मोबाइल अनलॉक करने में प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे डायरेक्टली जो है कॉल कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।